Dear students, in previous video, I told you that Carter's men removed Tut's mummy, and in this process, they severed nearly all his parts. ठीक है, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं और अब हमें स्टार्ट करना है यहाँ से. आर्कियोलॉजी हैज चेंज्ड सब्सटेंशियली इन द इंटरवेनिंग डिकेड्स. द राइटर सेज दैट देयर हैज कम अ ग्रेट चेंज इन द आर्कियोलॉजी इन द कमिंग डिकेड्स. इंटरवेनिंग होता है अप्रोचिंग, कमिंग, और डिकेड्स होता है दशक, दस सालों का जो टाइम होता है दैट इज कॉल्ड डिकेड. ठीक है, तो आने वाली डिकेड्स में काफी चेंज आया है महत्वपूर्ण ढंग से, सब्सटेंशियली इम्पॉर्टेंटली, वो बहुत ज्यादा आर्कियोलॉजी में चेंज आया है. फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर एंड मोर ऑन फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ एंड इंट्रिगिंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ. क्या चेंज आया है कि फोकसिंग लेस, कि अब बहुत कम फोकस होता है ट्रेजर के ऊपर. पहले ट्रेजर के ऊपर ज्यादा फोकस होता था, जैसा कि आई टोल्ड यू दैट हॉवर्ड कार्टर ऑल्सो स्पेंट मंथ्स टू प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ फ्यूनरी ट्रेजर्स एंड देन ही टर्न टू टट्स मम्मी. पर समय बीतने के साथ आर्कियोलॉजी में काफी चेंज आया. अब जो चेंज आया उसमें क्या हुआ कि अब ट्रेजर के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं किया गया एंड मोर ऑन द फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ एंड इंट्रिगिंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ. नाउ द फोकस वॉज ऑन इंटरेस्टिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ एंड मिस्ट्रीज, इंट्रिगिंग, जो मतलब रहस्यात्मक, जो उलझी हुई, मतलब वो है मिस्ट्रीज एक तरह से, इंट्रिगिंग उलझी हुई, अभी भी जो एक ना सुलझी हुई गुत्थी है मतलब. ठीक है, तो उन चीजों के ऊपर अब ज्यादा ध्यान था, उन चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस किया हुआ था आपकी बार. ठीक है, इट ऑल्सो यूजेस मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स एंड नाउ आर्कियोलॉजी यूजेस मोर एडवांस्ड टूल्स. और अब आर्कियोलॉजी में ज्यादा एडवांस्ड टूल्स भी यूज होने लग गए हैं. ठीक है, यानी कि दो बातें हो गई हैं. आर्कियोलॉजी में काफी चेंज आया है कि अब नाउ आर्कियोलॉजी, नाउ देर इज नॉट मच फोकस ऑन ट्रेजर. नाउ द फोकस इज ऑन द मिस्ट्रीज अनसोल्ड, इंटरव्यूइंग आप कह सकते हो, सॉरी, इंटरव्यूइंग आप कह सकते हो अनसोल्ड मिस्ट्रीज ऑफ डेथ एंड डिटेल्स ऑफ लाइफ. तो फोकस इन चीजों के ऊपर है और सोफिस्टिकेटेड टूल्स के ऊपर है, इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी एंड द आर्कियोलॉजी इन प्रेजेंट टाइम इंक्लूड्स द यूज ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी ऑल्सो. इन 1968, मोर देन 40 ईयर्स आफ्टर कार्टर्स डिस्कवरी, An anatomy professor x-rayed the mummy and revealed a startling fact. चलो भाई, अब क्या हुआ 1968 में, more than 40 years after Carter's discovery. देखिए, जो कार्टर की डिस्कवरी के 40 साल से भी ज्यादा टाइम के बाद, क्योंकि आपको पता है कि the tomb was discovered, means Tut's tomb was discovered in 1922. और अब 1968 की बात चल रही है, तो इसका मतलब 40 सालों से भी ज्यादा का टाइम हो गया. तो 1968 में कार्टर की डिस्कवरी के 40 साल से भी ज्यादा टाइम बाद क्या हुआ, एन एनेटॉमी प्रोफेसर एक्सरेड द ममी. एक एनेटॉमी के प्रोफेसर ने एक्सरे किया, एनेटॉमी जो ह्यूमन बॉडी की स्टडी करने की वाले जो एक्सपर्ट्स वगैरह होते हैं उनको बोलते हैं एनेटॉमी. ठीक है, एनेटॉमी प्रोफेसर एक्सरेड द मम्मी एंड रिवील्ड ए स्टार्टलिंग फैक्ट. तो उन्होंने इस मम्मी का एक्सरे किया एंड रिवील्ड ए स्टार्टलिंग फैक्ट एंड द एक्सरे अनफोल्डेड अ वेरी सरप्राइजिंग फैक्ट. स्टार्टलिंग मीन सरप्राइजिंग, चौंका देने वाला, अलार्मिंग यू कैन से. बीनीथ द रेजिन, वो क्या था, क्या चौंका देने वाला फैक्ट सामने आया, बीनीथ द रेजिन दैट केक्स इन चेस्ट, कि उस रेजिन के नीचे
रेजिन जो वही एडहेसिव सब्सटेंस, ठीक है, एडहेसिव सब्सटेंस को रेजिन बोलते हैं. तो बीनीथ द रेजिन दैट केक्स इज चेस्ट, जो उसकी चेस्ट के ऊपर, मतलब जो लेप, जिसकी लेप लगा रखी थी, तो उसके नीचे हिज ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स आर मिसिंग. तो उस रेजिन के नीचे क्या पाया गया कि भी उस ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स वर मिसिंग, कि उसकी फ्रंट रिब्स और ब्रेस्ट बोन जो थी वो मिसिंग थी. दिस वॉज द रिजल्ट अनफोल्डेड बाय एक्सरे, ये एक्सरे के द्वारा अनफोल्डेड किया गया रिजल्ट था, ठीक है. इन 1968 टट्स मम्मी वॉज एक्सरेड एंड इट अनफोल्डेड द अलार्मिंग फैक्ट दैट किंग टट्स ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स वर मिसिंग, ठीक है. इट स्टार्टल्ड द पीपल, इसने लोगों को चौंका दिया इस फैक्ट ने. टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन विद कंप्यूटर टोमोग्राफी और सीटी बाय विच हंड्रेड्स ऑफ एक्सरेज इन क्रॉस सेक्शन आर पुट टुगेदर लाइक स्लाइसेस ऑफ ब्रेड टू क्रिएट ए थ्री डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी. आजकल क्या होता है, डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन, डायग्नोस्टिक मीन्स क्लिनिकल रिलेटेड टू क्योर, इलाज से रिलेटेड, है ना. और इमेजिंग मीन्स इमेजेस कैन बी डन, ली जा सकती हैं, ठीक है. मतलब दीज डेज और एट प्रेजेंट, इन प्रेजेंट टाइम क्लिनिकल इमेजेस कैन बी टेकन, डायग्नोस्टिक इमेजेस कैन बी टेकन यूजिंग कंप्यूटेड टोमोग्राफी, मीन्स सीटी जो स्कैन होता है उसको कंप्यूटेड टोमोग्राफी बोलते हैं, और सीटी बाय विच हंड्रेड्स ऑफ एक्सरेज इन क्रॉस सेक्शन आर पुट टुगेदर विद द हेल्प ऑफ सिटी, विद द हेल्प ऑफ सिटी हंड्रेड्स ऑफ एक्सरेज इन क्रॉस सेक्शन आर पुट टुगेदर जस्ट लाइक द पीसीज ऑफ ब्रेड एंड इट क्रिएट्स अ थ्री डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी. और ये क्रिएट कर देता है बहुआयामी, मतलब थ्री डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी. वर्चुअल होता है सीमिंग टू बी रियल, जो रियल सी लगे, ठीक है. यानी कि आजकल जो सिटी स्कैन का यूज होने लग गया है, उससे क्या होता है, बहुत सारी एक्सरेज को क्रॉस सेक्शन में, क्रॉस मीन्स एक दूसरे को कट करती हुई, ठीक है, एक दूसरे को कट करती हुई जो एक्सरेज है वो गुजरती है, और बिल्कुल जैसे ब्रेड की स्लाइसिस की तरह है, ठीक है. ब्रेड की स्लाइसिस जैसे एक दूसरे के ऊपर रखी होती है ना, एक मतलब लेयर सी बन जाती है, तो उसकी तरह ही सिटी स्कैन्स में एक्सरेज निकलती हैं, और उससे क्या होता है, थ्री डायमेंशनल व्यू आ जाता है हमारे पास किसी भी चीज का. व्हाट मोर वुड अ सिटी स्कैन रिवील ऑफ टट देन द एक्सरे. तो अब एक्सरे के अलावा, यानी जो एक्सरे ने नहीं किया उसके अलावा, एक सिटी स्कैन क्या रिवील करेगा टट के बारे में. व्हाट अदर थिंग्स कैन बी रिवील्ड विद द हेल्प ऑफ अ सिटी देन एक्सरे. तो क्या कुछ, मतलब सिटी स्कैन कुछ अलग क्या करेगा, देखते हैं. एंड कुड इट आंसर टू ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन स्टिल लिंगरिंग अबाउट हिम. क्या ये बड़े दो क्वेश्चन का जवाब दे सकता था, कौन से क्वेश्चन का, लिंगरिंग मीन्स अनसोल्ड थे जो अभी उसके बारे में. एक क्वेश्चन तो है हाउ डिड ही डाई, कि हाउ किंग टट डाइड एंड हाउ ओल्ड वॉज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ. एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज वट वॉज द एग्जैक्ट एज ऑफ किंग टट एट द टाइम ऑफ हिज डेथ. कैन द सिटी स्कैन प्रोवाइड द आंसर टू दीज क्वेश्चन, लेट्स सी. किंग टट्स डिमाइज वॉज अ बिग इवेंट इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड्स, ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिलीज लाइफ. एंड देखिए, किंग टट्स डिमाइज, डिमाइज मीन्स डेथ, किंग टट्स डेथ वॉज अ ग्रेट इवेंट. यू मे बी आस्क व्हाई इज इट वॉज अ ग्रेट इवेंट. सो स्टूडेंट्स कीप इट इन माइंड, लिसन इट केयरफुली, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, किंग टट्स डिमाइज वॉज अ बिग इवेंट, किंग टट्स डेथ वॉज अ ग्रेट इवेंट इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड्स. It was a great event even by political standards, even by royal standards.
ठीक है, इवन बाय पॉलिटिकल एंगल से, आप कहें राजनीतिक मतलब एंगल से, दृष्टिकोण से या शाही दृष्टिकोण से, एक बहुत बड़ी घटना थी. ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिलीज लाइन. वाई इट वॉज सो? बिकॉज ही वॉज द लास्ट सक्सेसर ऑफ हिज फैमिली. And his funeral was the death rattle of a dynasty. And his cremation or his funeral was the death toll of an entire dynasty. क्योंकि उस dynasty का वो एक ही बचा हुआ था, तो उसकी मौत का मतलब था पूरी dynasty के death का rattle बच जाना. Rattle खड़खड़ाहट आवाज. But the particulars of his passing away and its aftermath are unclear. But the details of his death and its after results, repercussions are unclear. Aftermath होता है repercussions, results वगैरह. तो उसके जो मरने से related जो उसके particulars हैं और जो उसके बाद का भी क्या result हुए क्या नहीं हुआ, वो तो मतलब ज़्यादा क्लियर वो चीज़ें नहीं है. लेकिन हाँ, इतना है कि उसकी डेथ जो थी वो पॉलिटिकल एंगल से बहुत बड़ी घटना थी. स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू व्हाई किंग टट्स डेथ वाज अ ग्रेट इवेंट इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड्स. ही बिलोंग टू अ पावरफुल डायनेस्टी ऑफ इजिप्ट विच रूल्ड ओवर इजिप्ट फॉर सेंचुरीज. ओके, सो हिज डेथ must have ushered in great political changes. The people must have started quarreling with one another. ठीक है, लोगों ने आपस में लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया होगा उस टाइम. तो ये सब changes आए होंगे surely. Okay. Yes, students, let's proceed. Amenhotep III, Tut's father or grandfather, was a powerful pharaoh who ruled for almost four decades at the height of the 18th dynasty's golden age. Now, students, the writer describes the family line of King Tut. So, here, first of all, he tells about Amenhotep III, Tut's father or grandfather. However, he was Tut's grandfather. Okay. Amenhotep III was Tut's grandfather, है ना? Was a powerful pharaoh who ruled for almost four decades. He was a powerful pharaoh. Pharaoh तो king को बोलते हैं Egypt में. Who ruled for almost four decades. Who ruled for about 40 years. Four decades means 40 years. At the height of the 18th dynasty's golden age. And it was considered the height of 18th dynasty's golden age actually. Means it was considered golden age at that time. The time period of Amenhotep III was considered golden age. His son Amenhotep IV succeeded him and initiated one of the strangest periods in the history of जो भी है देखते हैं कि उसका जो बेटा था Amenhotep III का बेटा कौन Amenhotep IV succeeded means वो उत्तराधिकारी बना और बना दिया गया उसको. एंड इनिशिएटेड, और उसने इनिशिएट कर दिया. इनिशिएट करना स्टार्ट कर देना. वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड्स इन द हिस्ट्री, एक अद्भुत युग की शुरुआत कर दी उसने हिस्ट्री में. Amenhotep III एंड देन ही स्टार्टेड अ वेरी स्ट्रेंज पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इजिप्ट. ठीक है, इन द हिस्ट्री ऑफ इजिप्ट, इजिप्ट की हिस्ट्री में एक अजीब से युग की शुरुआत कर दी. क्या अजीब किया भाई उसने, देखते हैं. मतलब काफी शॉकिंग भी था ये. द न्यू फराओ प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ आटे. दिस न्यू किंग प्रमोटेड मीन्स एनकरेज्ड द वर्शिप ऑफ आटे. आटे मीन्स द सन डिस, सूर्य देवता. तो उसने जो है किसकी वर्शिप को बढ़ावा दिया, आटेन की वर्शिप को बढ़ावा दिया जो कि सूरज का देवता था. ठीक है, सन डिस मींस सूरज का देवता. चेंज्ड हिज नेम टू अखिनाटेन और सर्वेंट ऑफ द आटे. एंड ही एट वंस चेंज्ड हिज नेम टू अखिनाटेन, मींस हिज नेम वाज Amenhotep IV. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ही चेंज्ड हिज नेम
टू अखिनाटेन. सबसे पहले अपना नाम अखिनाटेन रख लिया और सर्वेंट ऑफ द अटेन. अखिनाटेन मेंट सर्वेंट ऑफ द अटेन मीन्स फॉलोवर ऑफ गॉड अटेन. And moved the religious capital from the old city of Thebes to the new city of Akhetaten. And he changed his religious capital from Thebes to Akhetaten. Means he transferred the capital to Akhetaten. Students, naam thode confusing hai yahan par, hai na? Lekin hum confusing ko easy bana denge, hai na? Aisa kuch nahi hai, mushkil kuch bhi nahi hai. जरा सा आप सोचिए, उसने अपना एमनहोटेप फोर से नाम रखा अखिनाटेन, अखिनाटेन, और जो रिलीजियस कैपिटल थी वो उसने थीब से चेंज करके अखिनाटेन बना दी, नाउ नोन एज अमरन, और जिसको अब किसके नाम से जानते हैं, अमरन के नाम से जानते हैं. प्रेजेंट में उस अखिनाटेन का नाम जो है वो अमरन है, यानी कि ही फर्दर शॉक द कंट्री बाय अटैकिंग आमून एंड देन It was means he was not satisfied with this only. He did much more shocking things. और भी ज़्यादा उसने shocking चीज़ें की, shocking काम की उसने. क्या? He further shocked the country by attacking Amun, and he even shocked the people by attacking Amun. ये Amun कौन था? A major god, smashing his images. And closing his temples. Amun was a major god of the Egyptians and Amenhotep IV smashed all his images, Amun's images, and closed his temples. And in this way, he shattered the religious sentiments of the people. Okay. It must have been a horrific time, said Ray Johnson. It must have been a very horrible time, a very frightening time, said Ray Johnson. Director, who was Ray Johnson? Director of the University of Chicago's Research Center in Luxor. Ray Johnson was the director, you may be asked students, so remember it. Ray Johnson was the director of the University of Chicago's Research Center in Luxor. Luxor is the name of the place, the site of ancient Thebes. जो पुरानी मतलब थीब्स की जगह है, मतलब जहां पर पहले थीब्स होता था वहां पर अब मतलब लग्जर नाम की जगह है, और लग्जर नाम यहाँ पर एक इसका यूनिवर्सिटी जो शिकागो की यूनिवर्सिटी है उसका रिसर्च सेंटर बना हुआ है. इसका जो डायरेक्टर है रे जॉनसन, वो ये बात बोलता है कि भाई वास्तव में ही ये तो बड़ा होरिफिक टाइम रहा होगा जब ऐसा हुआ कि भाई अखिनाटेन ने सभी मंदिर बंद करवा दिए, सभी मूर्तियां तोड़ दी आमून की, और लोगों के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया उसने, तो ये वास्तव में ही हॉरिबल टाइम रहा होगा. ठीक है, ये बात किसने बोली? रे जॉनसन ने, जो कौन था? डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागोज रिसर्च सेंटर सिचुएटेड एट लग्जर. The family that had ruled for centuries was coming to an end. And the family that had ruled for centuries and the family which had ruled over Egypt for many centuries was coming to an end. Means the indications were visible that the rule of this famous family was going to be over. And then Akhenaten went a little wacky. And Akhenaten became a little crazy. Wacky means crazy. ठीक है, ये Akhenaten जो है बेवकूफ हो गया, पागल हो गया था, तो सब स्ट्रेंज डीड्स ही करने लग गया था, उल्टे उल्टे काम करने लग गया था, है ना? तो संकेत मिल रहे थे कि अब इसका राज जो है खत्म होने वाला था इस पूरी डायनेस्टी का. ओके,